जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले के जयनगर में सुबह स्वास्थ्य के ख्याल से टहलने वाले युवाओं ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है जो काबिले तारीफ है। ऐसे युवकों ने मिलकर एक मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाया, फिर इन युवाओं ने कुछ अच्छा करने की ठानी। ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर प्रकृति की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। इन युवाओं ने 33 सप्ताह से इस पुनीत कार्य को करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में जयनगर के डेली पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में स्थित नवनिर्मित बिजली पावर हाउस के परिसर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के युवाओं ने मॉर्निंग वॉक के दौरान 33वें सप्ताह में भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया। आज जिस तरह से प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसी के अनुरूप पर्यावरण को बचाने हेतु पेड़ लगाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत किया गया था। पेड़ लगाओ अभियान के तहत समाज के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को जयनगर के विभिन्न जगहों पर पेड़ लगाया जा रहा है और इस कार्य को निरंतर जारी रखा जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के युवाओं ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिसमें आम, अमरूद, जामुन, अशोक और महोगनी आदि के पौधे लगाए। इस अवसर पर जयनगर के बिजली विभाग के SDO सत्यपाल सिंह, जेई रवि कुमार गुप्ता, प्रशांत झा, संतोष कुमार शर्मा, दीपक सिंह, पप्पू कुमार पूर्वे, लक्ष्मण यादव, मनीष कुमार रोहिता, विवेक ठाकुर, पप्पू शर्मा, अमित कुमार, बलराम कुमार, उदय कुमार, सुमित राउत, राघवेंद्र झा उर्फ बबलू, कृष्णा कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद लुमान, प्रेम शंकर पूर्वे, आनंद राज, अंकुश राज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। केंद्र में पौधारोपण का कार्यक्रम जो मॉर्निंग वॉक ग्रुप जयनगर के द्वारा किया गया है, ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा सराहनीय कदम है। हम सब मिलकर प्रकृति को बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। वॉक ग्रुप 33 के VIPDS जयनगर PSS में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसके कारण जो है हम सबको इनके काम में सहयोग करना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित करने के इनके प्रयास को सराहने तौर पर जो है मदद करनी चाहिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार कन्या, विद्युत अभियंता जयनगर।